कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने आरोप लगाया है कि नैना देवी के पूर्व विधायक और भाजपा के पदाधिकारी रणधीर शर्मा अभी भी सत्ता के नशे में ही हैं, क्योंकि वह अभी भी उस लेटर हेड का प्रयोग कर रहे हैं जो एक विधायक प्रयोग करते हैं। उन्होंने उपायुक्त बिलासपुर को भी इस मामले में शामिल बताया और कहा कि उस सरकारी पत्र पर विधायक शब्द से पहले एक्स लिखकर 31 मार्च से पहले रणधीर शर्मा ने उपायुक्त को पत्र लिखा है और कहा है कि विभिन्न पंचायतों को विजिट लैंप्स होने से पहले राशि जारी कर दी जाए। ठाकुर ने कहा कि उपायुक्त ने उसी पत्र पर विभिन्न योजनाओं के लिए राशि जारी कर दी है। ठाकुर ने राशि जारी करने वाला पत्र भी पत्रकारों को दिखाया गया और कहा कि उपायुक्त को भी इस जाली पत्र पर इस तरह राशि जारी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि रणधीर शर्मा जब विधायक नहीं है तो कैसे विधायक का लेटर पैड और सरकार के लोगों का प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह की राशि अभी स्वीकृत की जाती है जब इसका एस्टीमेट बनाया गया हो और उसकी मांग उस संबंधित संस्थान से की जाए जो जहां पर उस राशि का प्रयोग होना हो। ठाकुर ने कहा कि इसी तरह से स्वारघाट में खंड विकास अधिकारी कार्यालय में वीडियो का रवैया पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सही नहीं है। उन्होंने बताया कि वीडियो लंबे समय तक बीमार रहने के बाद ड्यूटी पर लौटे हैं, शायद इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो से प्रश्न किया है कि वह बताएं कि किसके कहने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि री ब्लेहर रोड जामन मंडियाली बस्ती दवर्ड पंचायत में जो काम हो रहे हैं उनमें होने वाले विकास कार्यों की देखरेख के लिए ब्लॉक के जेई के अलावा वाटर शेड के जेई को काम देखने को कहा जा रहा है ताकि गोलमाल किया जा सके। उन्होंने कहा कि करोड़ जामल पंचायत में सीमेंट से सड़क बनाने का कार्य स्वीकृत किया गया था, लेकिन इसके स्थान पर विधायक के किसी चहेते के कारखाने से सीमेंट के ब्लॉक लाकर उस सड़क में लगाने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलने दिया जाएगा। पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस महासचिव संदीप सांख्यान भी उपस्थित रहे। पिछला साल खत्म हुआ, 31 मार्च को जो बैलेंस पैसा बचा था डीसी ऑफिस में, वो पैसा जो है डेप्टी कमिश्नर ने इशू करना था। 30 तारीख को एक लेटर लिखा गया पूर्व विधायक रणधीर शर्मा द्वारा कि फलां फलां स्कीमों के ऊपर जो है पैसा दिया गया, ऐसे पैसा डेप्टी कमिश्नर भी नहीं दे सकते, इज इंटेलिजेंट ऑफिसर आईएएस है, पर क्या इसके एस्टीमेट के बिना या जो लोगों द्वारा चुने हुए लोग हैं, चाहे पंचायत के हैं, चाहे ब्लॉक समिति के हैं, चाहे जिला परिषद के हैं, यहाँ तक कि चाहे पंचायत मेंबर है, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर पैसा जो है वो दिया जाता है। क्या ऐसे आदमी की रिकमेंडेशन पे पैसा दिया जा सकता है कि जो न सरकार में कुछ है न पंचायतों में कुछ है और वो मात्र भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बीरर है और वो सरकारी लोगो यूज कर रहा है, जो विधायक का या जो अथोराइज्ड लोग हैं जो उस लोगों को यूज कर सकते हैं उस लोगों को यूज करके और पूर्व विधायक कह के जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से फोर्ज डॉक्यूमेंट तैयार करके जो है वो पैसा रिलीज हो गया। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसके ऊपर भी है या जो कस्टोडियन ऑफ गवर्नमेंट मनी है उसके ऊपर भी है, नहीं तो ऐसा है कि जो भी पैसा सेंक्शन होगा स्कूल को होगा तो स्कूल के हेडमास्टर का लिखा हुआ हो, उसमें एसडीओ और जेई के द्वारा तैयार किया हुआ जो है वो एस्टीमेट होना चाहिए, तब डिप्टी कमिश्नर पैसा देता है। और आज मेरी समझ में ये नहीं आया कि 31 तारीख को जैसे रेवड़ियां बांटते हैं वैसे सरकारी पैसा जो है ये जो लोगो है वो जाली आदमियों द्वारा जो है वो यूज किए जाए और फिर सरकारी दफ्तरों से पैसा रिलीज हो जाए, तो उससे इसका मतलब यह है कि ये जो फोर्ज डॉक्यूमेंट बना है उसमें हम भी हिस्सेदार बन रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ा बड़ा सीरियस केस है कि किस प्रकार से 31 तारीख को जैसे क्लियरेंस सेल होती है ना किसी दुकान में कि भी जाओ और जो है ना वो कम पैसे के ऊपर खरीद के ले जाओ, 31 तारीख को जो पैसा रिलीज हुआ ये शायद ऐसा लगा कि भाई 8 बजे तक तो एक पूर्व विधायक की गाड़ी प्लानिंग डिपार्टमेंट के बाद खड़ी थी। मैंने डीसी साहब को बताया था, मैंने कहा क्लियरेंस सेल लगा वो इसको सहज में लिया, लेकिन मैं कहना चाहूंगा 31 तारीख का दिन जो था वो क्या जैसे पीडब्ल्यूडी के आईपीएच के ठेकेदार अपने बिल क्लियर करवाते हैं, क्या पूर्व विधायक इस प्रकार का को बिल क्लियर करवाने के लिए जो है वो सारा दिन यहां पे लगा रहा था? ये मैं कहूंगा बड़ा सीरियस केस है एंड इट शुड बी इंक्वायर्ड इन टू
एंड साथ में देखा जाए तो इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, आप लोगो यूज नहीं कर सकते, बट हाउ द फॉर्मर एमएलए हैज यूज दिस लोगो एंड बेसिंग ऑन दैट हाउ डिप्टी कमिश्नर हैज इशूड द ऑर्डर फॉर सैंक्शनिंग ऑफ द अमाउंट। ये कुछ ऐसे हैं। ऐसे मैं कहूंगा हमारे पास स्वार घाट ब्लॉक है, वीडियो सामने ला रहा हूं, तो जो इरेगुलरिटीज है उसको ठीक करें, कहीं ऐसा नहीं हो 400B के ऊपर ये सरकार भी चलती बढ़े।